बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे पास दोस्तों आज मैं आपके लिए मखंडी हलवा की रेसिपी लेके आया हूं। मैं आपको बताऊंगा इसमें कौन सी स्पेशल टेक्निक्स हैं, कहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है और कहाँ पर आप इसको स्पेशल बना सकते हैं। मतलब कि आज आपको बहुत ही स्पेशल कुछ जानने को मिलने वाला है। चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खूबसूरत सा एक बॉल लेंगे और यहाँ पे हमारे पास सूजी, सूजी को हमेशा याद रखिएगा जब भी यूज़ करें अच्छी तरह से आपने छान कर फिर यूज़ करना है। तो 1.5 कप मैं यहाँ पे सूजी का ले रहा हूँ। मेजरमेंट्स को आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है, कितनी कितनी किस चीज़ की है। 1.5 कप सूजी है तो इसमें 3 कप मैं मिल्क के लूँगा, मतलब के क्वान्टिटी में डबल। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नहीं है जनाब तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, या आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। चलें जी, 1.5 कप सूजी में 3 कप हमने मिल्क ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर देंगे। इससे क्या होगा कि सूजी जो है सारे दूध को पी लेगी, फूल जाएगी और रेसिपी के अंदर ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब आपने क्या करना है, इसको कम से कम आधा घंटा और 2 घंटे तक भी आप इसको रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा रखना है तो फ्रिज में रखिएगा। ठीक हो गया, अब इसको ढाँप देते हैं और चलते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्यारी सी कढ़ाई की तरफ, पैन की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास है देसी घी 1 चमचा, आप डालडा घी भी ले लें, जो भी हो डजंट मैटर। तो लो फ्लेम के ऊपर आपने कुछ खुश्क मेवा जात यानी कि ड्राई फ्रूट्स लेने हैं, जो भी अवेलेबल हो 100 बिस्मिल्लाह। आपने इनको थोड़ा सा यहाँ पे कड़कड़ाना है, ठीक है, थोड़ा सा सॉटे करना है और ये देखिए आप थोड़ी सी देर, सिर्फ 2 मिनट के लिए, और फिर साइड पे कर लेना। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं चीनी, 1 से 1.25 कप काफ़ी होगा। तो अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं आप 1.5 कप यूज़ कर लीजिएगा। थोड़ा सा इसमें 2 से 3 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे और अब हम इसको पकाएंगे। देखिएगा बहुत जल्दी ये चीनी गीली सी हो जाएगी, ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और ये लिक्विड की फॉर्म में आ जाएगी। ठीक हो गया, अब इसके अंदर घी आपने ऐड करना है 1 कप भर के, ठीक है। मैं देसी घी ले रहा हूँ, आप डाल्टा भी ले लें। ऑयल के अंदर ना बनाइएगा, ऑयल के अंदर इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता, लेकिन अगर आपके पास ऑयल ही है तो आप उसमें भी बना लें, डजंट मैटर। चलें जी, लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इस चीनी को पकाएंगे और देखिएगा ये इसमें कैरामलाइज्ड हो जाएगी, मतलब के पिघल जाएगी और ये खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाएगा। आपने इसको ब्लैक नहीं होने देना। अब इसके अंदर फ्लेम को लो करके या इवन आप चूल्हे को बंद कर लें, डजंट मैटर, लेकिन तेज़ फ्लेम के ऊपर आपने ये ऐड नहीं करना, ठीक है। लो फ्लेम के ऊपर आपने ये दूध में, जिसको मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो के सूजी को रखा था, ऐड कर देंगे। बॉल्स को, प्यालों को, चमचों को अच्छे से साफ किया करें, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए, इससे आपके रिस्क में बरकत आती है। अब यहाँ पर देखें, आपको एकदम से ये लगेगा कि ये चीनी जम गई है, क्योंकि दूध ठंडा था और ये चीनी जो है ये यहाँ पे जो कैरेमल सा बना हुआ है ये हार्ड हो जाएगा वक्ती तौर पे, लेकिन जैसे ये गर्म होता जाएगा ये पिघलता जाएगा इसके अंदर। तो असल में इस रेसिपी में चीनी का ये जो कैरेमल है ना, चीनी का कह लें कि पतीसा सा बन जाता है, इसी के टेस्ट को लेके हम आगे चलते हैं। आपने मिक्सिंग करते जाना है, आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट होता जाएगा, 15 से 20 मिनट लिए आपके ले लेगा जस्ट, ठीक है। उसके बाद हमने जो स्टार्ट में ड्राई फ्रूट्स को सॉटे किया था, ये लें जी हमारे पास है, इनके ऊपर इनको डाल देते हैं और हल्की सी कर देते हैं मिक्सिंग। ये इसको थोड़ा सा कड़कड़ाते इसलिए हैं कि ये फ्रेश हो जाते हैं, इनकी टेस्ट फ्लेवर बढ़ जाता है और हलवे के अंदर ये अच्छा लगता है। कुछ दिन पहले मैंने दाल मूंग का हलवा लगाया था, आपने बहुत पसंद किया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। फाइनल लुक की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या लुक आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये लें जी। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नहीं तर बरकतें जो दिसते हमारे हाथों में, हमारे खानों में। सूजी के हलवे के लिए, हलवा पूरी की रेसिपी के लिए, मूंग दाल हलवा के लिए, इसके अलावा हर तरह की मीठी मिठाइयों के लिए हमारे चैनल पे आइए। आपको पुलाव की, बिरयानी की, 10 मिनट रेसिपीज़ की, यमी एंड टेस्टी रेसिपीज़ की, लंच बॉक्स रेसिपीज़ की और हर तरह की रेसिपी आपको ब्रेकफास्ट वगैरह की हमारे चैनल पर मिलेगी। दुआ में याद रखिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।